बात किसकी कर रहे थे? भंवर की। बात किसकी कर रहे थे? भंवर की। भंवर एक्चुअली क्या चीज होती है? ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये मान लो कि समुद्र के अंदर ये चीज है, ये वाली है और एक ये एक जलधारा है, ये दूसरी जलधारा है, ये तीसरी जलधारा है, ये इधर जा रही है, ये वाली जलधारा इधर आ रही है और ये जलधारा इधर आ रही है। यहाँ का पानी सीधा इससे पार हो इतने में ये जलधारा आ गई, तो यहाँ ये क्या करती है, इस पानी को इधर मोड़ देती है। ये जल इधर जाए उससे पहले इसके प्रभाव के कारण से ये जल इधर मुड़ गया और ये सीधा निकले उससे पहले ये वाली जो जलधारा थी वो इसको इधर मुड़ गई। तो यहाँ का कुछ पानी इधर चला गया, फिर यहाँ का इधर आ गया, फिर यहाँ का इधर आ गया और ये इस प्रकार से सारा पानी आपस में चक्री चढ़ जाता है। और जब चक्री चढ़ता है ना पानी, तो बीचों बीच क्या होता है, एक खड्डा बन जाता है, वी के जैसी आकृति बन जाती है। किसके जैसी? वी के जैसी आकृति। ये बरमूडा ट्रायंगल है जिसके अंदर बताया जाता है कि पानी का कोई भी जहाज जब भी इसके आजू बाजू से इसके आसपास से निकल जाए डूब जाते और वहां पर यहाँ नीचे चले जाते। वजह क्या है दिखाते हैं। जैसे ये जग है, पानी कहाँ तक भरा हुआ है? आधा। अब इसको हम निकालते हैं इस प्रकार से, जो इसको हिलाएंगे, एक बार हिला रहे, अब छोड़ दिया। ये देखो वी की आकृति बन रही है, नीचे तक पानी नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक वही स्थिति यहाँ बनती है और इससे हम भंवर कह सकते हैं। ये हमारे सिर की जो मांग है चोटी ऊपर, वहां पर भी है, बालों का एक घेरा है इस प्रकार से, वहां से बाल यूं निकलते हुए नजर आते हैं। इसको जो ही इस प्रकार से हमें और यूं घुमाते हैं तो सारा मामला, और ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो क्या होता है, पानी के जो जहाज है एक बार उनका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ा नहीं कि कहते ना भैंस पानी में, यहाँ भैंस नहीं जहाज के जहाज पानी में, ठीक है।